इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसमें क्या है। कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कहता है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। सबसे पहले हम लोग मीटर ब्रिज बना लेते हैं कुछ ऐसे। ये मीटर ब्रिज है, इसमें दो गैप होते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हम लोग का मीटर ब्रिज है और ये इस टाइप से कुछ होता है। आप देखे होगे, बेसिकली आप देखे होगे ये एक मीटर का वर्टिक, एक मीटर का जनरली ये होता है और ये राइट गैप है, ये लेफ्ट गैप है। तो ये जो हमारे पास यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दें, तो यहाँ से अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ इसमें, तो ये यहाँ से मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूँ, ये प्लस माइनस बी वोल्ट की, मैंने प्लस माइनस बी वोल्ट की हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दिया इसमें, ठीक है, बराबर है। तो ये वाली जो चीज़ है वो राइट गैप है, ये लेफ्ट गैप है। तो ये क्वेश्चन क्या करा, अच्छे से पढ़ो कि जो है ये रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, मतलब इस वाले गैप में एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया, ठीक है। चलो एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, ये एक वायर है, एक वायर है जिसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक वायर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, वो बैलेंस करता है 10 मीटर इन द राइट गैप, जो राइट वाला गैप है बच्चों ये वाला। तो राइट गैप में एक रेजिस्टेंस 10 ओम का ये जो वायर होता है, ये जो वायर यहाँ पर हमने, यहाँ पर जो बच्चों वायर हमने लगाए हैं, इस वायर के पास भी तो कुछ रेजिस्टेंस है आर, और ये रेजिस्टेंस 10 मीटर को 10 ओम को सॉरी बैलेंस कर रहा। मतलब मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ डिफ्लेक्शन 0 मिला है और ये लेंथ L1 है जो बैलेंस किया, और ये इधर का लेंथ L2 है। पूरा मीटर ब्रिज है, 1 मीटर होगा। तो ये कह रहा है कि जो वायर को डिवाइड करता है 3:2 में बच्चों, तो 3:2 मतलब L1 अपान L2 की वैल्यू दी हुई है 3/2। तो ये मुझे पक्का मिल गया बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो 1 मीटर ये, और इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5, इसमें जो वायर, ये जो वायर यूज हुआ है उसकी, इसकी लेंथ 1.5 मीटर बता रहा है। कहता है द लेंथ ही निकालना है 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर। ये जो रेजिस्टेंस वायर यूज हुआ है, समझो पहले करना क्या है, ये जो रेजिस्टेंस वायर यूज हुआ है 1 ओम, भाई इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। आर कितना हमको नहीं पता है, मान लो 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ये 20-25 ओम जो भी है बाद में कैलकुलेट करने के बाद आएगा। तो इसका अगर 1 ओम मैं काउंट करूं, 1 ओम रेजिस्टेंस लूं, तो वो उसकी लेंथ कितनी होगी वो हमें निकालना है, बराबर है। तो चलो सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं कितना है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट से हमको पता है, यहाँ लिख सकते हैं हम R upon 10 इज इक्वल टू L1 upon L2, और L1 upon L2 की वैल्यू यहाँ बच्चों 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे R की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, तो R की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, यह आ जाएगी 5 times कट जाएगा, दैट इज 15 ओम। तो R की वैल्यू मुझे आ गई 15 ओम, बराबर है। तो अगर मुझे 15 ओम ये जो 15 ओम है, ये 15 ओम मुझे मिल गया, तो दिस 15 ओम 10 ओम को बैलेंस कर रहा है, और L1 upon L2 3:2 यहाँ हमें मिल जा रहा है। तो अब कहता है कि ये अगर 15 ओम है, तो 1 ओम कितना लेंथ होगा, ये जो वायर यहाँ पे यूज हुआ है, समझ रहे ना, ये जो वायर है रेजिस्टेंस वायर जो यूज हुआ है, ये मान लो कुछ होगा लेंथ L का, और वो लेंथ आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर, वो जो लेंथ है एक्चुअली 1.5 मीटर है, और इसकी रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम, बराबर है बच्चों। तो ये अगर 15 ओम रेजिस्टेंस आ गया, तो अब हमें चाहिए इसमें से 1 ओम, समझ रहे हो। तो 1 ओम ये वाली जो चीज़ है, 1 ओम मान लो 1 ओम रेजिस्टेंस हो, तो इसकी लेंथ कितनी होगी L-, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, आ गया समझ में। चलो तो एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं बच्चों, लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये जो वायर यूज हुआ है यहाँ ये वाला, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट टोटल रेजिस्टेंस कितना बोलो 15 ओम, और पर यूनिट लेंथ लैम्डा कितना 1.5, और 10 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मतलब 10 ओम पर मीटर। एक हमने क्वांटिटी डिफाइन कर लिया,
कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब एक मीटर में कितना आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, 10 ओम मिला है एक मीटर में, तो डेढ़ मीटर है तो डेढ़ मीटर में यार 15 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये बात यहाँ से पता चल गया तो अब बेसिकली मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर हमारे पास एक मीटर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम आता है, एक मीटर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम आता है, तो एक ओम रेजिस्टेंस मिलने के लिए हमें कितना मीटर चाहिए, तो 1/10 यूनिटरी मेथड से तो 10^-1 मीटर ये हमें मिलेगा, 1 ओम में हमें मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा 10^-1, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है।